शिवानी को बाहर निकालो कहने वाले अरमान मलिक को खुद बिग बॉस ने कर दिया बाहर। दोनों बीवियों को लेकर चलते बने साहब। जिस अरमान मलिक ने बोला था कि शिवानी गांव की है, इसे बात करना नहीं आता, इसे बाहर निकालो, अब बिग बॉस ने उसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिग बॉस में पहुंचते ही खुद को दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला बताने वाले अरमान मलिक के अरमान अब ठंडे पड़ गए हैं। आखिर क्या हुआ था, क्यों अरमान को किया गया नॉमिनेट, कहीं शिवानी से पंगा लेना महंगा तो नहीं पड़ गया। बिग बॉस के अंदर शिवानी कुमारी से पंगा लेना दो बीवियों वाले अरमान मलिक को महंगा पड़ गया, क्योंकि दो दिन पहले जिस अरमान मलिक ने शिवानी को बिग बॉस से बाहर करने की बात कही थी, अब बिग बॉस ने खुद उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखा दिया और बोल दिया, जाओ साहब बहुत हो गया आपका, घर खाली करो। दरअसल बिग बॉस OTT 3 का सीजन काफी सुर्खियों में है और पब्लिक को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि इस सीजन में कई ऐसे दिग्गज मौजूद हैं जो सोशल मीडिया की जान हैं। लेकिन पहले हफ्ते से ही बिग बॉस में उठा पटक का दौर शुरू हो गया था और इस उठा पटक में दो लोगों को बिग बॉस ने घर से बाहर निकालने के लिए नॉमिनेट किया था, जिसमें एक नाम ने हर जगह भूचाल ला दिया था। लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल बिग बॉस ने शिवानी कुमारी और नीरज गोयत के नॉमिनेट का ऐलान किया था, जिसमें पब्लिक के प्यार और सपोर्ट ने शिवानी को तो बाहर जाने से बचा लिया, पर नीरज का सीजन समाप्त हो गया। और उसी दौरान अरमान मलिक से पूछा गया था कि शिवानी के साथ क्या करना चाहिए, इन्हें बाहर निकाल दें या फिर यहीं रखा जाए। इस दौरान अरमान ने शिवानी का विरोध किया और कहा, बिग बॉस शिवानी को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि इसे बात करना नहीं आता, गांव की रहने वाली है। फिर पब्लिक ने सपोर्ट किया और शिवानी बाहर होने से बच गए। लेकिन अब शिवानी को बाहर कराने के कहने वाले अरमान मलिक पर खुद गाज गिर गई है। बता दें पहले इलेक्शन के साथ ही शो से फेमस बॉक्सर नीरज गोयत का पत्ता कट गया है। अब अगले हफ्ते शो बिग बॉस हाउस से कौन बाहर होगा, इसके लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो घर वालों को एक बार फिर नॉमिनेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इस बार यूट्यूबर अरमान मलिक शो से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें नॉमिनेट करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद सना सुल्तान ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस ने अपने एक्स पर शो का जुड़ा एक अपडेट शेयर किया, जिसमें खुलासा किया कि बिग बॉस हाउस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया दूसरी हो गई है। शो में सभी सदस्य को दो दो नाम लेने के लिए कहा गया, जिन्हें वो घर से बेघर करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टास्क पूरा होने के बाद बिग बॉस ने पूरे गेम की बाजी पलट दी और जनता की आवाज यानी सना सुल्तान को उन्होंने स्पेशल पावर दे दी। स्पेशल पावर के जरिए सना को 3 नाम नॉमिनेट करने के लिए कहे गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि जनता की आवाज सना सुल्तान ने अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए अरमान मलिक को नॉमिनेट कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित और पायल मलिक को भी नॉमिनेट किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शो से बेघर होने के लिए 6 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं, हालांकि सिर्फ 3 लोगों के नाम ही सामने आए हैं। वहीं अरमान मलिक का नाम आने से उनके फैंस काफी शॉक्ड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।